दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के धार्मिक आयोजन में शामिल हुए 13 लोगों को औरैया जिला प्रशासन ने एक मदरसे से पकड़ा है। 13 लोगों में 11 शामली जनपद व 2 तेलंगाना प्रदेश के बताए जा रहे हैं। सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद क्वारंटाइन कर दिया गया है। जिला प्रशासन पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि इन लोगों के संपर्क में और कितने लोग आए थे। दरअसल निजामुद्दीन मरकज में शामिल लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि होने से देश भर में हड़कंप मचा हुआ है। मरकज में शामिल लोगों में कोरोना वायरस के चपेट में आने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने गाइडलाइन जारी कर मरकज में शामिल सभी का कोरोना टेस्ट कराने को कहा था, जिसके बाद औरैया जिला प्रशासन ने मदरसे में छिपे 13 लोगों को ढूंढ निकाला है। जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि सभी लगभग 12 दिन पहले ही औरैया आ गए थे, लेकिन फिर भी पूरी सतर्कता बरती जा रही है। उसमें यही जानकारी हमको परसों मिली थी कि लोग बाहर से आए हुए हैं और मस्जिद में रह रहे हैं, बाहर से लॉक लगा हुआ है। परसों ही पुलिस ने जाकर चेक करा था तो 13 लोग मिले थे, उसमें 11 लोग शामली से, 2 तेलंगाना से हैं। तो वो ऐसे तो उनको दिल्ली से आए हुए 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर हमने सेफ्टी के लिए कल उनको अलग से रखवाया और फिर नई गाइडलाइन आएगी। जो लोग दिल्ली से कहीं भी गए, चाहे हमारे यहाँ आए, चाहे पूरे यूपी में, पूरे देश में कहीं गए, तो उसके गाइडलाइन है। दिल्ली का जो वो था मरकज, वहाँ पे वहाँ से रिलेटेड लोग कोई भी संबंध मिलता है, सबका सैंपलिंग कराया जाएगा। आज सबकी सैंपलिंग कराने के लिए भेजा जाएगा लखनऊ से। सर कितने दिन तक ये रुके जाएंगे लोग? ये मिनिमम 14 दिन रुकना पड़ेगा, बाकी सैंपलिंग अगर नेगेटिव आ गई तो देखा जाएगा। हाल फिलहाल 14 दिन तक तो ये बिल्कुल रहेंगे, और इनके इनको भी नोटिस पकड़ा दिए गए कि बिना अनुमति के ना जाए, और इनके साथ जो लोग इनकी देखभाल के लिए स्प्रे अप्लाई करेंगे, पुलिस फोर्स तो है साथ में अपने लिए, उनकी जिम्मेदारी भी रही कम्युनिटी के लोगों की, क्योंकि अगर किसी प्रकार से भागने की कोशिश करते हैं या इस तरह कुछ और लोग जानकारी में आते हैं जो लोग हमको बताए बिना दिल्ली से आए, वहाँ से आए और छुपके रह रहे, तो जो नहीं बताएगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई है और कोरोना वायरस के लिए सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। सभी को क्वारंटाइन होम में 14 दिन के लिए भेज दिया गया है। प्रशासन सभी के कॉल डिटेल खंगाल रही है, साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये लोग कितने लोगों के संपर्क में आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।